हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट सुनील गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में जो लेक्चर है फिर मैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा के दिया हूँ, बस एक बार रिवाइज करवा के देता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में आप लोग को मैंने क्या बता के दिया था, राष्ट्र की अभिक्रिया दूर पर प्रणाम करने वाला घटक आपका रहेगा स्वरूप, मतलब एल्यूमिनियम जिंक के बारे में बता के दिया था। एल्यूमिनियम जिंक कंपेयर आप करोगे एल्यूमिनियम उसके पीछे ज़्यादा रिएक्टेंट होता है। यू कंटिन्यू, आप लोग को उसके बारे में प्रैक्टिकली बता के दिया था। आई होप आप लोग देख भी लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। अपकारक कणों का आकार मतलब साइज ऑफ पार्टिकल रिएक्टेंट, जो अपकारक होता है जो लेफ्ट साइड का होता है कि वो चीज़ आपका अपकारक होता है तो उसका शेप साइज कैसा रहेगा, एक्चुअली उसके बारे में आप लोग को बता के दिया। उसे अगर आप प्रैक्टिकल करोगे उसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, और आपका भी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक चीज़ भी आप लोग को मैंने बता के दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो कौन सा चीज़ बहुत जल्दी रिएक्ट होता है, जो सीओटू गैस आप मुक्त होती है ना धीरे धीरे मुक्त होती है वो किस में होती है, वो चीज़ आप लोगों को मैंने बता के दिया रहेगा। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बता के दिया हूँ। अभी का तापमान जो टेम्परेचर रिएक्शन होता है, टेम्परेचर रिएक्शन तो उसमें सी ओ टू यह उत्पाद बनता है, पथ अपने को जो आपके दर रहेगा तापमान पर निर्भर करता है, जो आप किसी चीज़ को जो अभिक्रिया है आपका जो दर रहेगा उसके टेम्परेचर को डिपेंड करता है, कितने चीज़ पर वो हीट करना पड़ता है, हीट करके क्या चीज़ बढ़ता है क्या चीज़ घटता है। आपको जैसे बता के दिया तापमान पर निर्भर करती है, तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्यों ऐसा ही। ओके, उत्प्रेरक में आप लोगों को मैंने बता के दिया था, उत्प्रेरक में वेरी इंपॉर्टेंट क्या था, पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्रा में रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है, क्या रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है, परंतु जब तो किसी प्रकार का रासायनिक चेंजअप नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तित होता है पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उसे आप उत्प्रेरक कहा जाता है। आप लोगों को मैंने बता के दिया रहेगा कि उसके अंदर अगर दर नहीं बढ़ती, परंतु अगर मैंग्नीज ऑक्साइड रहेगा उपस्थिति में KCl3 जो है गति से अपघटन होकर O2 गैस मुक्त होती है, मतलब CO2 का जो O2 गैस है सिख पतम वो जल्दी से रैपिडली एक्शन प्रोड्यूस कर देगा, चाहे कि उसके अंदर MnO2 की उपस्थिति में। ओके, और आप लोग इसको देख भी ले रहेंगे, अगर आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ओके, और जो आज का लेक्चर नंबर 6 है उस लेक्चर की वीडियो में आप लोग इसके बारे में क्या देखोगे, उसके बारे में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, क्या स्टडी करेंगे, अपस्क्रण और अपचयन दिया है। अपस्क्रण मतलब होता है इसमें ऑक्सीडेशन कहा जाता है और अपचयन मतलब रिडक्शन हो जाता है। ओके, एक्चुअली इस विषय पर हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। कंटिन्यू, पहले आपका ऑक्सीकरण है और अपचयन है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अनेक पदार्थ के जो अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन इस प्रकार के अभिक्रिया करते हैं, जो आपका दिया है अनेक प्रकार जो सब्सटेंस के पदार्थ रहेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन इस प्रकार के अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब जो अभिक्रिया दी गई है एक्चुअली उसके बारे में हम लोग उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे अथवा करेंगे। ओके, तो 2Mg+O2 दिया गया आपको, अगर इसके साथ अगर रिएक्ट करोगे तो आपका 2Mg फॉर्म होगा। ओके, C+O2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ये सब संयुग्म अभिक्रिया हो जाती है, क्या जो 20 और 21 वाला आपका संयुग्म अभिक्रिया, जिस प्रकार मैंने आप लोग को जो आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रहेगा जिसके पहले भी आप लोग को मैंने बता के दिया रहेगा, जो अभिक्रिया का प्रकार कंबाइनेशन रिएक्शन जो संयुग्म रिएक्शन रहेगा एक्चुअली उसमें मैं आप लोग को ये रिएक्शन बता के दिया हूँ। ओके, और Mg+H2 और CH3 से CH2 फॉर्म हो रहा है, जो 20-21 है ये ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, जो 20-23 है ये आपका हाइड्रोजन गैस निकल गया है, तो ये सब क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के हैं, सब क्या आपका ये चारों क्या रहेगा आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्या है 4 आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फाइन, जिस रासायनिक क्रिया में अभिकारक पदार्थों का ऑक्सीजन से संयोग होता है, क्या जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों का ऑक्सीजन संयोग मतलब जोड़कर ये संयोग हो रहा है मतलब जोड़ कंबाइनेशन, या जिस रासायनिक क्रिया में अभिकारक पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है, या जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाती है, इसे इसमें देखो CH3 हाइड्रोजन था तो 2 निकल गया मतलब H2 रिमूव हो गया इसमें, ओके, बिकॉज CH3 है, अगर जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन गैस निकल जाता है रिमूव हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहोगे। अब इसको याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखोगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपकारक पदार्थों का ऑक्सीजन संयोग होता है, क्या जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपकारक पदार्थों का ऑक्सीजन से संयोग होता है या ऑक्सीजन संयोग होता है, या जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपकारक पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाती है या उत्पाद प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहोगे। ओके, कंटिन्यू, कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं विशिष्ट रासायनिक पदार्थ की सहायता से घटित होती है, जो आपको दिया रहेगा कुछ जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती हैं विशिष्ट रासायनिक पदार्थ की सहायता से घटित होती है, जो अनेक प्रकार के जो पदार्थ रहेंगे सब्सटेंस रहेंगे कि उस पदार्थ सहायता मतलब घटना होती है घटित होती है। उदाहरण में जैसे CH3 CH2 दिया है,
मतलब इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, एक्चुअली उसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन और पोटेशियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्लिक ऑफ के टू सी आर टू ओ सी वन, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। व्हाट? पोटेशियम डाइक्रोमेट के टू सी आर टू ओ सी वन फॉर्मूला होता है, और एच टू एस डाइल्यूट, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड एच टू फोर को ऐसा कुछ तो दिया नहीं आपको, सांद या तनु, तो एच टू एस फोर, तो एक्चुअली जिससे आप फॉर्म जो रहा है सी एच थ्री फॉर्म हो रहा है, ये चीज हुआ है बरोबर, इसमें का ओ एच है बरोबर। क्या वॉज बताता हूँ आपको, जो सी एच थ्री दिया, सी एच थ्री आपने लिखा और ये सी लिखो बरोबर, इसमें का एक हो, इसमें के हो, कितना हो गया सी डब्ल्यू एच हो गया कि नहीं, और जो आपका एच टू रहेगा हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जा रही है, तो आपका ये चीज़ तैयार हुआ एसिडिक अम्ल तैयार हुआ। आप जो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सी एच थ्री बहुत ईजी है, सी एच थ्री आप लिखे हो ये सी लिखो बरोबर सी, और ओ एच पहले ऑलरेडी है, इसमें का जो ओ है इसको आप एक दे दिए डबल ओ एच हो जाएगा, तो सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच हो जाएगा, बस आपका ये एच टू बचेगा, क्या बचेगा एच टू, तो एच टू आपका गैस है, वो चीज़ रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। ओके मतलब जो एच टू गैस था आपका, एच टू गैस रिमूव हो गया। ओके ऐसे आपका क्या रहेगा ऑक्सीडेटिव क्रिया। ओके यहाँ एथिल अल्कोहल इस क्रिया के ऑक्सीडेटिव के लिए अम्लयुक्त पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन उपलब्ध कर देता है, क्या करता है ऑक्सीजन उपलब्ध करता है, ऐसे जो रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन उपलब्ध करके ऑक्सीडेटिव क्रिया करते हैं उन्हें ऑक्सीकरण ऑक्सीडन कहा जाता है। मतलब आपको ध्यान में करें, ऐसे जो रासायनिक पदार्थ कोई भी रहेंगे ऑक्सीजन उपलब्ध करके ऑक्सीकरण क्रिया करते हैं, मतलब ऑक्सीजन पहले बनाएगा उपलब्ध करेगा अवेलेबल करेगा, अवेलेबल करने के बाद जो ऑक्सीकरण क्रिया करते हैं उसे ही ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारक ऑक्सीजन कहा जाता है। ओके कंटिन्यू, क्या जानते हैं चीज़ आप पढ़ सकते हो, एक बार देख लीजिएगा, पेयजल शुद्धि के लिए ऑक्सीकरण का उपयोग होता है, ये सब चीज़ आप पढ़ सकते हो, जो आपको डाउट आएगा आप पूछ भी सकते हो। ओके और आपका दिया है पोटेशियम परमैंगनेट क्या मनो फोर रासायनिक ऑक्सीकारक है, आपने भी देखा आगे देखिए आपकी एरिया है, देखिए टू क्या मनो फोर टेन एफ एस ओ फोर एट एच टू एस ओ फोर, ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिए, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, फेरस सल्फेट एफ एस ओ फोर मतलब सल्फर, सॉरी फेरस सल्फेट होता है या आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो, एफ ई मतलब जो चीज़ आपका आयरन होता है, एच टू एस ओ फोर आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ओके तो आप इसके साथ रिएक्ट करो तो क्या फॉर्म होगा, कंटिन्यू देखो के टू हो गया के टू एस ओ फोर, के टू एस ओ फोर इसको दिया ठीक है। ओके ये फॉर्म हो गया, इसके बाद आपका एम एन एस ओ फोर, देखो एट एस टू एस ओ मतलब एट था, इस थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा हाँ, तो आपका टू एम एन एस ओ फोर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टू एम एन एस ओ फोर, देखो टू के दिया एम एन ओ फोर मतलब के टू एस ओ फोर ले लिया आपने, पोटेशियम सल्फेट तैयार होगा आपका, इसके बाद एम एन एस ओ फोर लोगे, इसके बाद टू क्योंकि ये सब डबल है ना तो इसकी वजह से, प्लस फाइव एफ ई तो देखो आयरन कितना है आपका टेन है, फाइव एफ ई टू मतलब टेन हो गया आपका, हो गया कि नहीं फाइव ई टू मतलब टेन हो गया, फाइव ई टू एस ओ फोर थ्राइस एस फोर थर्टी टू, आपका जो एस ओ फोर है थर्टी टू है, मतलब सल्फर एक है पर जो ऑक्सीजन है थर्टी टू है, तो एस ओ फोर थ्राइस हो जाता है आपका। ओके कंटिन्यू, आप क्या देखोगे अभी आप क्या देखोगे एक्चुअली इसके अंदर के टू एस ओ फोर पोटेशियम सल्फेट। ओके जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता के दिया, एक्चुअली ऐसा ही आप देखो फाइव एफ ई टू, फाइव एफ ई टू जैसे टेन एफ ई है बरूबर, तो एक्चुअली आपका जो मॉलिक्यूल्स है एटम मॉलिक्यूल्स रहेगा जो अड़ू है आपका दो है, तो पंद्रह दस दस एफ ई हो जाएगा, आपको एस ओ फोर भी दिया है तो फोर थ्राइस मतलब फोर थ्री ट्वेल्व। ओके फोर थ्री जै ट्वेल्व, तो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखो फोर इधर है, ओके और फोर इधर एट, तो आप लेफ्ट साइड पहले देख लो चार चार आठ टेन फोर जा फोर्टी हो जाएगा फोर थर्टी टू। ओके तो फोर जा एट देखो एट हो गया आपका ऑक्सीजन, इधर का एट इधर का फोर्टी फोर्टी ऑक्सीजन हो जाएगा प्लस थर्टी टू, तो पूरा आप एडिशन करोगे कितना हो जाएगा फोर्टी एट, फोर्टी एट प्लस टू फिफ्टी हो जाएगा प्लस एट्टी हो जाता है आपका, कितना हो जाता है एट्टी ऑक्सीजन हो जाएगा ठीक है। आई मीन टू से तो आपका इधर फोर ले लिए इधर टू फोर जाए एट ट्वेल्व हो गया आपका, ट्वेल्व तो रिमूव कर दिया गया बरोबर, क्या ट्वेल्व एक्चुअली वो चीज़ आपका रिमूव हो गया, देखो इधर का फोर और इधर टू और फोर जाए एट, एट फोर ट्वेल्व हो गया, एट्टीन में अगर ट्वेल्व आप सब्ट्रैक्शन कर दोगे कितना आपका सिक्सटी एट हो जाएगा, कितना हो जाएगा सिक्सटी
एट एफ ई टू एस ओ फोर थ्रैश हो जाता है ओके, तो आपका प्लस एट एस टू क्या हो जाएगा, एट एस टू। एक्चुअली ये चीज़ कैसे है, आप कैसे एक्चुअली इस चीज़ को बैलेंस करोगे, पहले देख लो एक्चुअली आप जो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, ये आपका एट ऑक्सीजन हो जाता है ओके। इसका टेन फोर या फोर्टी, क्योंकि टेन फ्रंट साइड में लिया गया, फोर्टी हो जाएगा फोर्टी ओके। एट फोर या थर्टी टू, थर्टी टू तो एट फोर कितना, थर्टी टू, सेवेंटी टू प्लस एट एटी हो जाता है, कितना हो जाता है एटी। एटी क्या चीज़, आपका ऑक्सीजन होता है। तो एक्चुअली इस चीज़ बैलेंस हो, राइट साइड का आप उत्पाद की हो बैलेंस, ये आपका उत्पाद होता है, जो लेफ्ट साइड में एक्टिव होता है कि वो चीज़ आपका अभिकारक होता है फाइन। तो ये चीज़ का बैलेंस कैसे की हो वो देखो, देखो जो फोर हो गया राइट साइड का उत्पाद में, देखो उत्पाद में आपका चार ऑक्सीजन प्लस दो चौके आठ, आठ हो जाएगा प्लस पाँच है ये चार है और थ्री बरूबर, चार तीन बारह, बारह पंच साठ, सिक्सटी हो गया, हो गया कि नहीं। सिक्सटी एट प्लस एट सेवेंटी टू, सॉरी सिक्सटी एट प्लस फोर सेवेंटी टू हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसा क्या बता के दे रहा आप लोगों को। देखो ये फोर है, फोर के बाद इधर ब्रैकेट के बाहर थ्री है, फोर जो ट्वेल्व हो जाएगा। एक्चुअली स्टार्टिंग में पाँच दिया गया ना, पाँच फाइव लिया है, तो फोर जो टू है, ट्वेल्व फाइव सिक्सटी, सिक्सटी प्लस एट सिक्सटी एट, सिक्सटी एट प्लस फोर सेवेंटी टू हो जाता है। जो आपने अभी अबकारक में देखिए, अबकारक में कितना था, अस्सी था ऑक्सीजन, तो सेवेंटी टू और ए आठ है, कितना आठ, एट है, एट एस टू हो गया, तो आठ एट एस टू एट हो सिक्सटीन, सिक्सटीन हाइड्रोजन आठ ऑक्सीजन, मतलब अस्सी ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। जो आपका हाइड्रोजन दिया गया था एट एस टू दिया गया, क्या दिया एट एस टू, इसलिए एक्चुअली इस प्लेस पर आपको जो राइट साइड में उत्पाद में जो लिया गया आपका एट एस टू, मतलब आठ एट हो सिक्सटीन, एक्चुअली सिक्सटीन हाइड्रोजन हो जाएगा तो आपका आठ एस टू, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आठ ले लोगे तो आठ ऑक्सीजन हो जाएगा एक्चुअली की तरह ओके। इस चीज़ को आपको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट माइंड करना पड़ेगा, और इस चीज़ का आपको मल्टीप्लेक्शन ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या क्या ले रहे हो, जो आप क्रिया कारक में ले रहे हो, इसका जो आप काउंट करेंगे, जो उत्पाद मतलब जो उत्पाद फॉर्म करो, उस चीज़ आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ओके। कंटिन्यू, इसके अब क्या है, अम्ल की उपस्थिति में क्या मैंने फोर से किसका ऑक्सीकरण किया, अर्थात एफ ई एस ओ फोर का, या एफ ई एस ओ फोर का रूपांतरण एफ ई एस ओ फोर त्रेस में हुआ, ये रूपांतरण मतलब ऑक्सीकरण में कैसे हुआ हम देखेंगे। एक्चुअली अगर हुआ जो आपका उत्पाद फॉर्म हुआ, एक्चुअली हुआ तो कैसे हुआ, एक्चुअली उसके बारे में आप देखोगे ओके। कंटिन्यू, टू एफ ई एस ओ फोर, टू एफ ई एस ओ फोर एक्चुअली इस चीज़ को आप बैलेंस कैसे करोगे, तो एक्चुअली इन्होंने क्या लिखा है, एफ ई एस ओ एफ ई एफ ई टू लिखा है बरोबर, तो आपका जो टू दिया गया है तो एस ओ फोर, एस ओ फोर ओके, एफ ई कितना है टू है, एस ओ फोर, एस कितना थ्री फोर, ये दिया गया थ्राइस, ये आयत कैसे आया, ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो एक्चुअली ऊपर दिया गया आपको, अब साइड में एफ ई एस ओ फोर का रूपांतर एफ ई टू एस ओ फोर में, ये रूपांतर मतलब ऑक्सीकरण कैसे हुआ ये हम देखेंगे, क्योंकि जब ऑक्सीकरण होता है जैसे आप लोगों को मैंने बता के दिया रहेगा, ऑक्सीकरण में क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, टू एफ ई एस ओ फोर है तो एफ ई टू एस ओ फोर थ्राइस दिया गया ओके। जैसे आपको आयनिक अभिक्रिया में क्या दर्शाया गया है वो भी चीज़ आप देख सकते हो, एफ ई टू प्लस एक्चुअली ये चीज़ आपका चार्ज होता है, प्लस एस ओ टू सॉरी एस ओ फोर टू माइनस में चार्ज, बाद में जो एक्चुअली आपका उत्पाद जो फॉर्म हो रहा है टू एफ ई थ्री प्लस एक्चुअली आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसके बाद थ्री एस ओ फोर, देखिए एक्चुअली इस चीज़ को भी बैलेंस किया गया इन्होंने, थ्री एस ओ फोर और जो ऊपर में टू माइनस में दिया है, ये आपका आयनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया मतलब एक्चुअली इस चीज़ का आपका चार्ज रहेगा फाइन। ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो चीज़ दिया गया ओके। उपयुक्त रूपांतर में केवल परिवर्तन होता है, केवल आगे देगी रसायन अभिक्रिया से दर्शाया जाता है, केवल आयनिक अभिक्रिया। देखो एक्चुअली वो चीज़ जो आपको दर्शाया गया है, इस चीज़ के पहले आपको सब चीज़ का आयनिक अभिक्रिया पता होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया में एक्चुअली चीज़ का आपका आयनिक अभिक्रिया आपको अगर अच्छे से परफेक्ट पता रहे तो उस चीज़ आप बहुत आसानी से और इजी तरीके से आप समझ पाओगे अथवा कर भी सकते हो ओके। चाहे आपको एफ ई टू प्लस दिया है, एफ ई टू प्लस दिया जो एक्चुअली आपका जो उत्पाद फॉर्म होगा एफ ई थ्री प्लस फॉर्म होगा ओके। जैसे आप लोगों को पता रहेगा एफ ई टू प्लस प्लस जो टू इलेक्ट्रॉन रहेगा, अज्यूम करो ये आपको इलेक्ट्रॉन ले लो चार्ज एफ प्लस ही, तो अगर एक्चुअली उसके अंदर चार्ज जो फॉर्म होगा एफ ई थ्री प्लस फॉर्म हो सकता है ओके। बट फेरस है फेरिक है, जो फेरस में एफ ई टू प्लस आता है चार्ज में, जो फेरिक फॉर्म होता है और उसी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आयनिक अभिक्रिया में आयनिक अभिक्रिया से जो आपका उत्पाद फॉर्म होता है, उत्पाद फॉर्म जब एक्चुअली होगा जो फेरस से आपका फेरिक तैयार हो जाता है ओके। जो फेरस है आपका एफ ई टू प्लस चार्ज होता है, जो फेरिक है जो उत्पाद फॉर्म होगा एफ ई थ्री प्लस फॉर्म होगा फाइन। इसी आप ध्यान में रखिए, जैसा मैंने आप लोग को अभी बता के दिया एफ ई थ्री प्लस,
एक्चुअली में अगर एक माला अज्यूम करके चार्ज लोगे या ई प्लस वन ले लो आप, बता एक्चुअली ई प्लस कोई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, या फिर टू प्लस से या आप रिएक्ट जो आप कैरेक्स उत्पाद जो फॉर्म करोगे तो ये चीज़ आपका क्या ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर टू प्लस सो जो आपका उत्पाद फॉर्म होगा, या फिर थ्री प्लस फॉर्म होगा जो आयनिक फॉर्म होगा। ओके, रिएक्टेड करने के बाद कंटिन्यू। अभी आप क्या देखोगे, यानी कि अभिक्रिया कैमोनो फोर मतलब पोटेशियम परमैंगनेट ने की हुई अभिक्रिया सॉरी ऑक्सीकरण की दर्शाती है। ऑक्सीकरण फेरस आयन से फेरिक आयन बनता एक धनावेश बढ़ता है। देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फेरिस या फिर टू प्लस क्या था आपका एफ ई टू प्लस जो आपका फेरिस आयन था, फेरिस आयन से आपका क्या था फेरिक आयन एफ ई थ्री प्लस आयन एक्चुअली आपका फेरिक आयन बनता है, तब एक धनावेश बढ़ता है। धनावेश मतलब एक्चुअली चार्ज, जैसे टू प्लस से जब आपका जो आप कह रहे हैं से जो उत्पाद फॉर्म हो रहा है एक्चुअली एक धनावेश बढ़ जाएगा, जब धनावेश बढ़ जाएगा उससे आपका ये चार्ज भी बढ़ जाता है। ओके, ये होते समय फेरिस आयन एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, जो इस समय फेरिस आयन इलेक्ट्रॉन खो देता है, इससे पता चलता है कि ऑक्सीकरण अर्थात एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को खोना एक नई परिभाषा प्राप्त होती है। ये चीज़ ध्यान रखिए, यह होते समय फेरिस आयन जो फेरिस आयन है एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम कर दे, इससे पता चलता है कि ऑक्सीकारक अर्थात एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को खो देना, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खो देना या खोना एक नई परिभाषा प्राप्त होती है। तो एक चीज़ को आपको एक ग्रेटर नया आइडिया अच्छे मतलब नया मिलता है, नई परिभाषा प्राप्त होती है एक्चुअली उसकी तरह है। ओके कंटिन्यू, सॉरी ऐसे आपकी डेट सिक्स आपको बता रहेगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया ऐसा आपको लगता है आपने किया रहेगा प्रैक्टिकल वनस्पति की, जहाँ आप लोगों को मैंने बता के दिया रहेगा जो आपका प्राप्त होता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया ऐसा आप लोग को लगता है, या मतलब जैसे आपका या अपघटन अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया है, एक्चुअली उसी चीज़ आपको बताने का। ओके, इसलिए ऑलरेडी मैं आपको यूट्यूब पर ही बता के दिया हूँ, आई होप आप लोग देख भी लिए होंगे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में आपका पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है उस अभिक्रिया को अपचन अभिक्रिया कहते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया अभिकारी पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है, एक्चुअली जो ऑक्सीकरण में क्या होता है जो उत्पाद फॉर्म हो रहा था उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता था, एक्चुअली उसमें क्या होगा अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ जो रहेगा, अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ जो रासायनिक या रिएक्शन जो करते हो अभिक्रिया जो करते हो उसमें जो अभिकारी पदार्थ जो उसमें हाइड्रोजन ग्रहण करता है मतलब लेता है, अभिक्रिया को अपचन अभिक्रिया कहते हो, उस क्रिया को आप अपचन अभिक्रिया कहते हो अपचयन। उसी प्रकार जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ ऑक्सीजन खो कर नए उत्पाद बनते हैं वह भी अपचन अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ ऑक्सीजन खोकर जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ जो ऑक्सीजन खोकर ऑक्सीजन गो मतलब किसी को देकर भी एक नया उत्पाद अथवा नया पदार्थ बनाता है नया सब्जन तैयार करता है वह भी आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जो पदार्थ अपचयन करता है उसे अपचायक कहते हैं, जो पदार्थ अपचयन करता है उसे अपचा सॉरी उसे आप अपचायक कहते हो। कंटिन्यू, या हाइड्रोजन गैस को काले कॉपर ऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो गुलाबी भूरी कॉपर की परत प्राप्त होती है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉपर ऑक्साइड है क्या कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस है एक्चुअली उसके जो आप क्रिया अभिकारी है उससे जो उत्पाद फॉर्म हो रहा है गुलाबी भूरी कॉपर की परत प्राप्त होती है, परत प्राप्त होती है। सीयू प्लस वाटर क्या कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के साथ जब आप रिएक्ट कर रहे हो जो अभिकारी कर रहे हो जो आपका उत्पाद फॉर्म होगा कॉपर प्लस वाटर फॉर्म होगा। ओके, इस अभिक्रिया में अपचायक कौन है तो कौन से अभिकारी पदार्थ का अपचयन हुआ है, तो इस अभिक्रिया में अपचायक कौन है कौन से अभिकारी पदार्थ का अपचयन हुआ है ये चीज़ आप देखोगे। अभी देखो कॉपर है हाइड्रोजन गैस है इसमें ग्रहण किया लिया है जिसे आपका अपचयन हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, लेकिन अपचायक कौन है तब तो कौन से अभिकारी पदार्थ का अपचयन हुआ है हाइड्रोजन। देखो ये अभिकारी पदार्थ है ना जो उत्पाद फॉर्म हुआ है, तो क्वेश्चन क्या पूछा आपको तथा कौन से अभिकारी पदार्थ का अपचयन हुआ है, अपचयन में आपने क्या देखा अपचयन में आपने क्या देखा ऑक्सीजन खोकर नया उत्पाद बनाते हैं, ऑक्सीजन खोकर जो नया उत्पाद बनाता है वह भी आपका अपचयन अभिक्रिया कराती है। जैसे सी यू प्लस एस टू ऑक्सीजन खोकर नया उत्पाद बना दिया वाटर, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा अपचायक सॉरी अपचयन क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी अपचयन, एक्चुअली उसके बाद जो बचेगा आपका अपचायक हो जाएगा। ओके, अभिकारी पदार्थ मतलब जो कॉपर ऑक्साइड था हाइड्रोजन था एक्चुअली खोकर नया उत्पाद बना दिए ना, नया उत्पाद बनाने के बाद एक्चुअली इनको अपचयन अपचयन कहा जाएगा। ओके,
इसके बाद जो आपका बताए बचता है वो आपका जो पदार्थ अपचयन करता है उसे आप अपचायक भी कहते हो। ठीक है, ठीक है। इस क्रिया में अपचायक कौन हो वो चीज़ आप दोनों देख लिया अभी। ये अपक्रिया होते समय कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का परमाणु खो देता है, क्या होता है? और अपक्रिया होते समय कॉपर ऑक्साइड CU था, ऑक्सीजन परमाणु खो देता, ऑक्सीजन उन्होंने खो दिया, अर्थात अर्थात क्या? कॉपर ऑक्साइड, व्हाट? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है। हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु को स्वीकार करता है, जो हाइड्रोजन का परमाणु है ऑक्सीजन परमाणु को स्वीकार मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, उससे आपका वाटर तैयार होता है, जो आपको बता के दिया मैंने, इधर आपका वाटर बन गया। इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रिया एक साथ घटित होती है। ऑक्सीकरण के कारण अपचायक, ऑक्सीकरण और अपचायक के कारण व्हाट? ऑक्सीकरण अपचायक के कारण ऑक्सीकरण का अपचयन होता है, क्या होता है? अपचयन। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जो कॉपर ऑक्साइड था प्लस हाइड्रोजन गैस थी, एक्चुअली उसी उन्होंने जो वो खो दिया ऑक्सीजन खो दिया, ऑक्सीजन खोने के बाद आपका जो H2 वाला था उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, एक बार उन्होंने एक नया चीज़ तो उत्पाद बनाया, वाटर का निर्माण कर दिया। इसी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीजन दोनों अपक्रिया एक साथ घटित होती है, दोनों अपक्रिया एक बार घटित होगी, एक ही साथ में घटित हो गई। ऑक्सीकरण अपचायक ऑक्सीकरण, अपचायक ऑक्सीकरण का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण और अपचायक के कारण, देखो ध्यान में रखिए आप, ऑक्सीकरण और अपचायक के कारण ऑक्सीकरण का अपचयन होता है। इस विशेषता के कारण अपचयन अपक्रिया और ऑक्सीकरण अपक्रिया ऐसे दो पदों की जगह रिडॉक्स अपक्रिया ऐसे ही पद का उपयोग किया जाता है। मतलब एक्चुअली उसकी जीरो जगह पर, इसको जो प्रेस रहेगा स्थान रहेगा, एक्चुअली उसकी जगह पर रिडॉक्स अपक्रिया ऐसे ही पद का उपयोग किया जाता है, रिडॉक्स अपक्रिया। रिडॉक्स अपक्रिया में चीज़ आप क्या देखोगे, रिडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है? अपचयन और ऑक्सीकरण। रिडॉक्स अपक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। ये चीज़ आप वेरी इंपॉर्टेंट, चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ आपको फिल्म ब्लैंक्स में आने के चांसेस रहते हैं, आप पेपर में आने के भी चांसेस हैं। ओके, रिडॉक्स अपक्रिया एक्चुअली इक्वल टू अपचयन प्लस ऑक्सीकरण, रिडॉक्स रिएक्शन इक्वल टू रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ओके, क्या सब किया कुछ ज़्यादा नीचे दी गई, उसमें से ऑक्सीकारक और अपचयक कौन से पहचानो, ये चीज़ आप लोग खुद से करिएगा, अब मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके, और जो आपका दिया गया ये चीज़ आप देख लीजिए, परमाणु पर आयनों का धनावेश बढ़ता है या द्रव्यराशि कम होता है उसे ऑक्सीकरण। किसी ने पूछा ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? परमाणु पर या आयनों का धनावेश जब बढ़ता है, जो परमाणु आप लियो तो धनावेश जब बढ़ जाएगा, ऋणावेश कम हो जाएगा, उससे ऑक्सीकरण कहते हो। ओके, याद हो गया क्या आप लोगों को? परमाणु पर जब आयनों का धनावेश बढ़ता है और ऋणावेश कम होता है, धनावेश जब बढ़ जाएगा ऋणावेश कम हो जाएगा उसे आप ऑक्सीकरण कहोगे। लेकिन जब धनावेश कम होता है ऋणावेश बढ़ता है, उल्टा जब धनावेश आपका क्या होता है ऋणावेश बढ़ जाएगा उसे आप क्या कहोगे? अपचयन कहोगे। ओके, जिस प्रकार आप लोग को एग्जाम्पल में दिया रहेगा, देखो Fe ऑक्सीकरण और अपचयन, देख रहे हो इस प्रकार का जो आपका इसी और ऐसा दिया, बरोबर क्या? ये आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, FeO और Fe2O3 फॉर्म होता है। FeO तो ऑक्सीकरण अपचयन से ये फेरिस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिस ऑक्साइड फॉर्म होगा, फेरिक ऑक्साइड आपका फॉर्म होगा। ओके, और जो क्या आप जानते हैं कि वो चीज़ आप रीड कर सकते हो, अगर आप लोग किसी कुछ डाउट है कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ओके, और आज के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही, जो नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, छर मतलब कोरोजन जंग के बारे में, वो चीज़ आपको प्रैक्टिकल में दिया गया है, वो चीज़ मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में बता के दूंगा। एक्चुअली 1, 2, 3, 4 जो प्रैक्टिकली लिया है, एक्चुअली उसके अंदर क्या ऐड करने के बाद एक्चुअली क्या चीज़ फॉर्म होता है, क्या चीज़ प्राप्त होता है, एक्चुअली उसके बारे में देखोगे आप। ओके, इसके बाद आपको बहुत बुआ अथवा रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब एक्चुअली आप किसी चीज़ को ऑयल हो गया, टिन का डब्बा हो गया, प्लास्टिक का डब्बा हो गया, बहुत समय तक एक्चुअली उसके रखने के बाद इसमें किस प्रकार की रेंसिडिटी अथवा बदबू प्राप्त होती है, बदबू निकलती है, रिमूव होती है, एक्चुअली वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में देखेंगे। ओके, और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही, अगर आप किसी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाल बटन दिया रहेगा उस चीज़ को आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो ऑलरेडी मैं आप लोग को पढ़ा के दे रहा हूँ एक्चुअली वो सब चीज़ आप लोग को गेटर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एक्चुअली उसकी वजह से। ओके,